क्या बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शराबबंदी में शराब का मजा ले रहे हैं? मंत्री जी के टेबल पर रखी रंगीन ग्लास ने बिहार में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इशारे इशारों में एक मंत्री के शराब पीने के फोटो होने की बात कही थी। इसके 3-4 दिनों बाद शिक्षा मंत्री के टेबल पर रखी ग्लास में शराब होने की तस्वीरें वायरल होने लगी। होली के वक्त वायरल हो रही मंत्री जी की तस्वीरों ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। मंत्री जी की पद और प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लग गई। जहानाबाद न्यूज की टीम बिहार के सियासी खलबली की वजह बन रही मंत्री जी के टेबल पर रखे गिलास में शराब होने की वायरल तस्वीरों की पड़ताल करने निकल पड़ी। टीम को जानकारी मिली कि मंत्री बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव जहानाबाद के सुगांव में हैं। सुगांव पहुंचने पर शिक्षा मंत्री अपने घर से बाहर पूरी सादगी के साथ ग्रामीणों से गुफ्तगू करते दिखे। टीम ने जब मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा से वायरल हो रही इन तस्वीरों के बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने सारी हकीकत बयां कर दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले 16 फरवरी को वे औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर के भाजपा नेता संजय कुशवाहा के घर गए थे। ये तस्वीरें उनके घर के कमरे की है। दरअसल में टेबल पर रखा ग्लास रंगीन था और उसमें पानी डालने पर शराब की कलर से मिलता जुलता प्रतीत होता है। उसी गिलास में रखे पानी को लेकर विरोधियों ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। सच्चाई तो यह है कि वो गिलास ऑब्जेक्ट वो रंगीन था, उसमें पानी डालते हुए फिर हमने भी उसका सेकंड वीडियो जारी किया और ये पूरी यूनिट से जान बूझ करके इसको वायरल किया गया कि हमारी तस्वीर खराब है। फिर हमने जो सेकेंड वीडियो जारी किया उससे सब सारी चीज सच्चाई सामने आती है और ये कहानी है। नोखा जाने के क्रम में मैं कुछ देर के लिए औरंगाबाद में एक पूर्व परिचित के यहाँ संजय कुशवाहा के यहाँ नाश्ता का कार्यक्रम था, उसमें गए थे हम। तो उन्होंने नाश्ता वास्ता कराया, उनकी माँ वगैरह सब ने स्वागत किया, शॉल दिया, सब फोटो हम उनके पास है, तो सब देख लीजिए। और उसमें यही था कि गिलास जो था वो रंगीन था, गिलास रंगीन था और जग भी रंगीन था। उसको पानी डालने के बाद उसका रंग जो है पानी का वो रंगीन दिखता है, जिस पर शराब का संदेह लोगों ने किया कि ये शराब है, लेकिन उसको पानी डाल करके भी हमने सेकंड वीडियो जारी किया, उसमें सारा चीज़ छवि जुड़ी हुई है। झूठ फूट कर इस तरह का कहानी बना करके इसको जनता में दिया गया है, वायरल किया गया, तो इससे हमारी छवि जुड़ी हुई। तो हम पुलिस में आज FIR कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाए जिसने पहला इसको जारी किया बुरी नीयत से, और उसको चिन्हित करने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की। इधर वायरल हो रही तस्वीरों से मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की पद और प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लग गई। स्वयं सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर मंत्री से वायरल हो रही तस्वीरों की सच्चाई पूछी। बकौल मंत्री, वे इस तरह का शरारत करने वालों के खिलाफ शीघ्र ही मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाले हैं। इधर मंत्री महोदय ने सारी बातें साफ कर दी और उधर संजय कुशवाहा ने भी फिर से एक वीडियो भेजकर उस जादुई गिलास और जग का दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वीडियो में उसी रंगीन ग्लास में पानी डालकर दिखाया तो वायरल हो रही तस्वीरों की हकीकत समझने में देर न लगी। बहरहाल शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के खिलाफ वायरल हो रही शराब से भरी ग्लास की तस्वीर ग्लास के रंगीन होने की वजह से शराब जैसा प्रतीत हो रहा है और शरारती तत्वों ने इसका फायदा उठाने और शिक्षा मंत्री को बदनाम करने की कोशिश की। जहानाबाद न्यूज की पड़ताल में वायरल हो रही तस्वीर तो सही निकली पर शराब होने की बात पूरी तरह से फर्जी है।